आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक, सॉल्व करेंगे। लिथियम, यहाँ क्वेश्चन है, लिथियम मेटल क्रिस्टल हैज ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी दिया हुआ है इस 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब माइनस थ्री, एंड इट्स मोलर मास दिया हुआ है 6.94 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल का, जहाँ एवोगाड्रो नंबर Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 × 10^23। तो हम लोग यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठता है, डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी हम लोग रखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इजकल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है 0.53 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जेड का वैल्यू बीसीसी में मैंने बताया पहले भी वीडियो में, जेड का वैल्यू 2 होता है बीसीसी में, बीसीसी लिख देती हूँ। एंड यहाँ पे एम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एम 6.94 मोलर मास दिया हुआ है 6.94, ये पुट कर देंगे। एंड ए क्यू, ए क्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10^23, ठीक। अब यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसको इस साइड कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग को यही फाइंड करना था, 2 × 6.94 बाय 0. यहाँ पर 0.53 यहाँ आ जाएगा 53 इंटू 6.023 × 10^23। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.348 × 10^-23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी ए क्यू वैल्यू आ जाएगी, ए क्यू इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम लोग को निकल गया। यहाँ पे क्वेश्चन था, लिथियम मेटल क्रिस्टल हैज़ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जब बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है तो जेड की वैल्यू हमारी 2 रहती है, इट्स डेंसिटी हमारा दिया हुआ था 0.53 ग्राम, एंड मोलर मास दिया हुआ था 6.94 ग्राम पर मोल दिया था। हम लोगों को कैलकुलेट करना था वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल का, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल का, जहाँ एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10^23 था, तो डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यू इंटू एन ए होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर दी, ए क्यू की वैल्यू आ गई, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल था। थैंक यू।